अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है इसको जरूर दबाइएगा, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर सब्सक्राइब किया है तो ये टिंग 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 वाला बेल बटन आता है इसको जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल मिथिश फैशन। आज है मंडे और अभी हम लोग एक कीड़ा उड़ के गया देखा, और अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं क्योंकि आप सब ने देखा होगा मेरी जो वुडन बैंगल्स है, कुछ फ्रेंड्स ने पूछा था वो कहाँ से लिया है, तो वो कहाँ से लिया है वो आज शेयर करूँगी, क्योंकि ये साल में एक ही बार होता है, एक एग्जीबिशन होता है खादी का, वो 2 अक्टूबर से होता है, मतलब गांधी जी का जन्मदिन से शुरू होता है और अक्टूबर में ही ख़त्म हो जाता है, एक महीना रहता है। तो पिछले 2 साल मैं नहीं गई, विले पार्ले वेस्ट जहाँ पे अल्फा जिनको पता है उनको पता रहेगा, अल्फा के वहीं पे होता है, वो लेन पे ही होता है, और सातुन ऑफिस से आके तैयार हो चुका है। हेलो हेलो, क्योंकि अभी वो ख़त्म होने वाला है, अभी नहीं जाऊँ क्योंकि दुर्गा पूजा में इतना बिजी हो गई थी, नहीं गई थी, ऐसा करके ही पिछले 2 साल नहीं जा पाई थी, तो इस बार सोचा था नहीं आप सबके साथ शेयर करना है इसीलिए मुझे तो जाना ही है। तो ये देखो स्वीटी आज मियाँ बन चुकी है, आज स्वीटी मियाँ, स्वीटी मियाँ बहुत दिन बाद, ये बोल रहे बहुत दिन बाद मियाँ, तो मियाँ है, अच्छा वो मियाँ है अभी। तो चले ये दोनों शूज पहने, मैं गाड़ी लेके आती हूँ क्योंकि शांतनु अभी नहीं चलाएगा, ऑफिस से वो चला रहे, क्या बोल रहे पता है, मैं अभी रेस्ट मोड में। देखो आप सब बोलते हो ना मैं क्यों हमेशा गाड़ी चलाती हूँ, लेकिन वो भी बेचारा रोज सुबह शाम गाड़ी तो चलाता है, थक जाता है ना, तो इसलिए मुझे चलाना पड़ता है। चलो स्वीटी, मैं और स्वीटी चलो। आपको एक मियाओ दिख रहा है, ये देखो एक मियाओ, ये एक मोटू सा गोलू सा मियाओ हमेशा रहते इधर उधर घूमता रहता, क्या ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, जा तेरा फ्रेंड है स्वीटी, स्वीटी नहीं करेगी ये क्यों देखा चीज़ों के है, जा तेरा फ्रेंड बैठे করে তো ওরকম মুন্ডুটা হিলাতে দেখে এটা করবে না বাদে না বলা মোটু বলা মিয়াও না বহুত আচ্ছা হ্যাঁ মেরে গাড়ি কে ওয়াঁ পে ভী পিছে রহতে হ্যাঁ জ্যাদাতর ওয়হীঁ পে রহতে হ্যাঁ ওয়াঁ পে দো মিয়াও হ্যায় এক ব্রাউন কালার বলা আর এক গ্রে কালার বলা না গ্রে হ্যাঁ ব্ল্যাকিশ গ্রে দোনো আচ্ছা হ্যাঁ মোটু সা হ্যায় খানা খাতে রহতে ইধর উধর চুহা হ্যায় না কাফি সারা চুহা হ্যায় ইসলিয়ে উসকো খানা মিলতা হ্যায় বহুত সারা ওইধর ধূপ নিকলা হ্যায় आज भी ड्रैगन फ्लाई उड़ रहा है कुछ, लेकिन पता नहीं कैमरा में उतना अच्छी तरह से कैप्चर नहीं होता। एक बिल्ली मेरा गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठी है, जा नीचे ना सूरी, क्या बोल रही है पता, ऐसे चढ़ के बहुत कुछ व्यू दिखता है इसलिए मज़ा आता है, क्या मज़ा आता है उसमें, थोड़ा एकदम ऊपर चढ़ पाते छत पे इसका तभी मज़ा आता है। देखो शांतु ने लेट करके आ रहा है, जूता पहन रहा था, लेट क्यों आ रहा है। ये वाला आम का पेड़ है और ये वाला वही एलमंड का पेड़ है, और जो एलमंड का पेड़ का पत्ता आपको दिखाया था ना रेड कलर का, वो झड़ गया नीचे काफ़ी, देखो पत्ता कितना, रोज जो जो झाड़ू मारते हैं वो साफ करके के थक जाता है, और अभी पूरी ग्रीन पत्ता एकदम न्यू लीव, और ये भी न्यू लीव।
लोग वहाँ पे पहुँच गए खादी भवन जो विले पार्ले में है, अल्फा के जस्ट सामने है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी है काफ़ी बड़ी जगह पे। और वो आपको दिख रहे हैं छोटा छोटा, ये हनी भी है वहाँ पे, हनी हो रहा है। हनी भी है काफी सर। लेकिन उसका जो एरो है वो तो कलर कर सकते, लेकिन वो जो एरो है एरो तो नहीं है। कुछ भी रख सकते, सुखाओ जी कलर से। और एक ग्रीन है ना, ग्रीन वो कांच टूटा हुआ ऊपर का कांच टूट गया। लाएंगे तो जरूर लाइएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे तब तो आऊंगी जरूर, क्योंकि वो मुझे दो तीन टाइप, एक मोटा वाला होता है ना, मालूम है, मोटा पतला वाला होता है, एक मोटा वाला होता है, मोटा वाला का दो बंच। हाँ 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 ठीक है, मेरे हाथ का देखिए। ठीक है, और
भी हमारा घूमना हो गया, लेकिन जिस काम के लिए आई थी वो बैंगल्स नहीं मिला, एक ही बैंगल्स मिला क्योंकि उसने लाया नहीं। खादी में जो जो शॉप थे वो इंडिया के अलग अलग रीजन से आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उसके बाद कर्नाटका। जो शॉप से मैंने टॉयज और वो बैंगल्स लेती हूँ ना, वो कर्नाटका से आते हैं। भैया थे, उन्होंने बोला नेक्स्ट शायद थोड़ी मेरी में एक एग्जीबिशन होता है तब लाएंगे, वो दिसंबर में होगा। ऐसा तो बैंगल्स था लेकिन बहुत डिजाइन वाला, मैं डिजाइन वाला नहीं पहनती हूँ, प्लेन वाला पहनती हूँ। तो क्योंकि वो वुडन डिजाइन जो बैंगल्स आप देखते हो ना, वो बैम्बू का होता है, वो काफी साल पहले का है, 7-8 साल पहले से है, एक एक करके मैंने लिया था। अगर किसी को आना है यहाँ पे खादी एग्जीबिशन आ सकते हैं, अभी भी है, November 1st शायद 1-2 तारीख तक है, फुल अक्टूबर रहता है। हर साल अक्टूबर में यहाँ पे खादी जो भवन है वहाँ पे होते हैं, विले पार्ले अल्फा के वहीं पे। अगर किसी को पूछेंगे, वहाँ पे बड़ा सा गेट रहता है तो आप आ सकते हो, और वहाँ पे काफी सारे शॉप रहते हैं, सामान ओरिजिनल मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है वो खादी सब कुछ सुपरवाइज करता है, जो भी जहाँ से लाते हैं सब कुछ रियल होता है। क्योंकि कभी कभार होता है ना मिलावट टाइप का चीजें मिलता है, जैसा सिल्क में भी आप लोगे तो मिलावट, सिल्क के साथ भी मिलावट होता है, फूड आइटम लोगे तो भी होता है, लेकिन ये खादी का है ना इसलिए डुप्लीकेट भी नहीं होता है। और यहाँ पे शॉप भी है, आप ऐसे भी आ सकते हो, शॉप है दो वहाँ का, वो थ्रू आउट द ईयर रहता है, सिर्फ संडे शायद बंद रहता है ना, संडे बंद रहता है। और अभी हम घर आ गए, मैं ऐसे करके खड़ी थी, अच्छा लग रहा था, कभी कभी लगता है ऐसे करके खड़ी हो जाओ। और अभी हम घर आके थोड़ा चाय पिए, क्योंकि शाम से चाय नहीं पिया था, खाना बनाना है, पनीर बनाया हुआ है, पनीर मैंने कल बना के रख दिया था फ्रिज में, तो पनीर का एक बहुत क्विक वाला रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत जल्दी और लेकिन बहुत यम्मी बनता है, सिर्फ छौंक डाल के बनाऊंगी। आलू भी एक बॉयल किया हुआ है फ्रिज में, तो उसी से दोनों से बना लूंगी, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा और लेकिन बहुत यम्मी बनता है। तो और ये 5 मिनट का रेसिपी है, तो 5 मिनट का रेसिपी कैसे करके बनाती हूँ दिखाती हूँ। और मैंने पनीर को जस्ट थोड़ा सा तेल देके सैलो फ्राई कर लिया, और उसी कढ़ाई पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, उसमें डालूंगी सूखी मिर्च जस्ट थोड़ा सा तोड़ के, क्योंकि कभी कभी फूट जाता है, तेज पत्ता, और कलौंजी नाइजेला सीड, और जो बॉइल्ड पोटैटो है अभी मैं उसमें फ्राई करूंगी। और पोटैटो को जस्ट हल्का सा फ्राई करना है, और अभी इसमें डालूंगी अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया। सॉल्ट भी डाल दूंगी और हल्का सा 1 मिनट तक भुनने के बाद अभी इसमें मैं पानी डाल दूंगी, ये थोड़ा सा लिक्विडी टाइप का होगा। और आलू भी अंदाजे से, आलू थोड़ा कम है अब वो अपने अंदाजे से। और मेरा ये सब्जी बन चुका है, जरूर ट्राई करना, 5 से 7 मिनट लगता है बनाने में। हाँ, सिर्फ आपको पनीर पहले से बना के रखना पड़ेगा, तो ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत इजी, बहुत टेस्टी। स्वीटी आज बोल रहे हैं आज तो बहुत मजेदार पनीर मिल गया बस, और ये सूप जैसा है ना, ये भी बहुत टेस्टी है।
इंडियन सूप है सर, ये घर पे जरूर ट्राई करना, मुझे बताना। सिंपल क्विक इजी रेसिपी, जिस दिन घर पे जल्दी जल्दी आके कहीं से खाना बनाना तो उसके लिए बहुत अच्छा है। छौंक डालो और बन जाएगी। और थोड़ा सा वीडियो देख ले, बहुत दिन वीडियो नहीं देखा। चलो वीडियो देख ले, खाना खाने के बाद मिलती हूँ, इंटरवल के बाद मिलती हूँ। चलो बाय बाय। और हमने क्या क्या लाए वो दिखाती हूँ। पहली बात, दो खाने का चीज लाए। ये है इस टाइप का मिक्सचर टाइप का, आपको दिख रहा है काफी सारे मिक्सचर, लेकिन ये फ्राइड नहीं है, डाइट वाला है, मतलब रोस्टेड वाला है। रोस्टेड क्या क्या था, रोस्टेड वो कॉर्न, ज्वार, इस टाइप का सारे चीज़ें रोस्टेड वाला। तो ये दो पैकेट लिया, ये टेस्टी है, लेकिन रोस्टेड है, लेकिन रोस्टेड चीज़ें इतना टेस्टी नहीं होता है। मसाला दिया ना, मसाला कुछ मसाला ना भी दो तो भी टेस्टी है। हाँ, क्योंकि ये मसाला में दूसरे टाइप का मसाला नहीं है, नॉर्मल ब्लैक सॉल्ट टाइप का, ब्लैक सॉल्ट है, सॉल्ट दिया हुआ है। ये लिया दो पैकेट, और मसाला लिया, ये देखो ये कोल्हापुरी मसाला होता है, ये लहसुन और काफ़ी सारे गरम मसाला रहता है। इसका खुशबू असम है, ये तो चटनी हिसाब से भी खाया जाता है, नॉनवेज में या वेज में किसी भी चीज़ में डाला जाता है। और ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये है गरम मसाला, ये गरम मसाला मुझे लग रहा है थोड़ा सा मालवनी स्टाइल में, हाँ मालवनी गरम मसाला, क्योंकि इसका खुशबू से ना मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कौन सा रीजन का कैसा टाइप का मसाला होता है। इसका स्टार एनिस, सौंफ, ये देखो दोनों खा रहे, खाना खा के भी खा रहे सूरी वाले, इसमें तो ज़रूरत ही नहीं, खाना खाओ ना खाओ तो भी खा सकते हैं। ये बहुत सुंदर एक चीज़ है, आपको दिख रहा है ये, मतलब ये इस टाइप का चीज़ है, ये क्या चीज़ है बताओ, ये है बैम्बू। बैम्बू से भी इतना सुंदर चीज़ बनाया जा सकता है, देखो। और ऊपर में जो है ये ग्लास है, बैम्बू का जो होलो रहता है ना उसमें ही बनाया जाता है, देखो। ये बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत अच्छा लगा, इस टाइप का ढक्कन है। तो मैं सोच रही हूँ मिर्ची रखने के लिए अच्छा है, या कोई भी आप ज्वेलरी भी रख सकते हो, या मसाला रख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ये अच्छा लगा। और स्वीटी ने और एक चीज़ लिया, ये तो स्वीटी ने सबसे अच्छा वाला चीज़ लिया, ये क्या है पहले दिखा दूँ, यहाँ पे मार्बल है, छोटा छोटा बकेट है इस टाइप का काफ़ी सारे, उसमें नोज भी है, और ये वुडन टॉयज है, और यहाँ पे जैसा डाले, देखो कितना सुंदर है ना, इसमें एक बड़ा साइज का था ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे काम का चीज़ एक ही मिला है, देखो एक ही बैंगल्स मिला है वुडन, क्योंकि इस बार लाया नहीं, प्रिंटेड वाले काफ़ी सारे थे, अगर किसी को चाहिए तो आप प्रिंटेड वाले वहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन में मिल जाएगा, काफ़ी सारे कलर में भी मिल जाएगा, सारे बैम्बू का है। ये जो बैंगल्स और वो जो, ये तो वुडन लकड़ी से बनाया जाता है, और ये जो ये दोनों बैम्बू से ही है, तो बैम्बू भी कितना अच्छी तरह से यूज़ होता है, देखो ये बैंगल्स कितना सुंदर है ना, तो इसको पहन के दिखा दो, बहुत मोटा टाइप का। इसमें दो कलर था, एक गोल्डन टाइप का था, एक ग्रे टाइप का, ग्रे नहीं ब्लैकिश टाइप का, ग्रे टाइप का कलर में था, याद नहीं आ रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना मोटा सा, और देखो स्वीटी क्या करे आके। और एक चीज़ दिखाना भूल गई, इसीलिए लाने के लिए गई थी, किचन पर रख दिया था। ये क्या है पता है, ये मिट्टी का एक पॉट है, मतलब जो गमले होते हैं ना, क्या रखते हैं उसमें, प्लांट रखते हैं, याद नहीं आ रहा था। ये देखो एक क्या है, एक पिगी है, कितना सुंदर सा क्यूट ऐसा कर रहा है, कितना क्यूट सा है, लेकिन ये मिट्टी का अभी प्लेन है, इसको अभी कलर करूंगी, ये दिवाली के लिए लाया। ये दिवाली के लिए लाया, कलर वाला भी था, लेकिन मुझे कलर वाला पसंद नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा वो दरवाजे वाला जो पेंट होता है वो करते हैं, तो इसको मैं कलर करूंगी, तो उसके बाद दिखाऊंगी फाइनली मेरा पिगी कैसा बना है, इसका नाक कितना क्यूट सा है, मुझे पिगी बहुत पसंद है। ऐसा करते हैं नाक को, ऐसा करते हैं नाक को, ऐसा करते हैं। और स्वीटी ने और एक चीज़ दिया सबसे अच्छा वाला, अरे बेटा था तो पास है, हाँ ये सबसे सुंदर वाला, इसी के लिए स्वीटी गई थी मेरे साथ, देखा बचाओ जल्दी।
देख रहा है? नहीं, पानी फेंक के सुनो। पानी इसके, ये देखो एक छोटा सा मिट्टी का बर्ड जैसा है, यहाँ पे एक होल है, ये एक विसल है, यहाँ पे भी एक छोटा सा सर के ऊपर होल है, लेकिन ये नॉर्मली बसता नहीं है बिना पानी का। देखा ना, ऐसा आवाज सुनाई दिया और ऐसा अजीब साउंड होता है। और इसके अंदर पानी डाल के अगर बजाएंगे तो ऐसे एक बहुत डिजाइन टाइप का फूफू फूफू वाला बात। जब भरनी अभी ये खेल रही है, ये तो ऐसे मुझे लगा ये तो सजा दूंगी। सिटी को बोला मैं सजा लूंगी कहीं पे, फिर बोला सब चीज मेरा सजा देते हो, मुझे मजा आ रहा है सचमुच। देखो इसमें एक बड़ा साइज का भी था, मतलब और इसमें और बड़ा साइज का भी था और दो एक्स्ट्रा था, मतलब छः का था, लेकिन वो कलर नहीं था, वो प्लेन वाला था। और इसका स्माइली वाला नो भी नोज नहीं था, उसका नोज कुछ अजीब था। अच्छा ये हिल रे कतरे जल नहीं चीज ना कि दो ही आवाज तो अच्छा ना बेसी जल बोल दीजिए। बस बस हमारी रात तो बोले बजाए ना, बोलते हैं रात को बस ही नहीं बजाते, सिटी नहीं बजाते। हाँ बुजुर्ग ने कहा है तो कुछ तो होगा। तो अभी ये सारे समय टू और कुछ नहीं ले, और तो कुछ याद नहीं आ रहा। और कुछ आ रहा है सांतुनो? नहीं और तो कुछ याद नहीं आ रहा। ये वाला अच्छा है, ये किचन में रखूंगी। और आप सबको और एक चीज दिखाना भूल गई, वो है ये वाला, ये स्वीटी ने खरीदा। ये किस लिए खरीदा पहले बताती हूँ, पहले हवा खा लू, हवा खा लू। हाँ ऐसे करके हवा खाते हैं। हाँ बोलते हैं ना हवा खा लू, थोड़ा खालू बोलते हैं ना। हाँ और बोलते हैं ना हवा खा लू, तो ऐसे करके। और ये इस टाइप का होता है ना, ऐसा वाला देखो, ऐसा टाइप का ऊपर में जाली जाली, इसमें फुल भी वुडन टाइप का था, मतलब पूरा जो नीचे का पोर्शन है ना ये जाली जाली, ये पूरा भी था। और ये स्वीटी क्यों खरीदा पता है? क्योंकि वो बोलते हैं बस में या स्कूल में, स्कूल में तो ऐसी है तब भी मतलब उसको गर्मी लगता है, तो बस में आते हुए या वेट करना पड़ता है कभी कभार, तो ऐसा करके हवा खाएंगे, मतलब मजा करेंगे। बैग में रखूंगी तो मैं भी कभी कभार बाहर लेके जाऊंगी। हाँ स्कूल डेज में नहीं, ऐसे बाहर अगर किसी, हाँ कहीं घूमने जाओ या संडे कहीं घूमने जाओ सैटरडे। देखो हाँ मैं भी लेके जाता, मैं दो क्यों खरीदो बेकार बेकार। अरे काम का आता है। ए शांतनु एटा किंतु किना खूब भलो, आमी एकटा किनले पारतम मेरा। हाँ क्योंकि मेरा और उसका दो था, एक ब्लैक कलर का भी आता है ऐसा सिर्फ कपड़े का, लेकिन वो खराब हो गई थी। बाहर नहीं जाओ, चलो भलो कहीं पे भी मतलब रहे तो गर्मी ना लगे, इस हिसाब से। और उसने क्या बताया पता है, जो शॉप जो भैया थे ना वो बोले यहाँ पे फ्रेग्रेंस दे देना, मतलब कोई भी परफ्यूम टाइप का या मतलब नेचुरल फ्रेग्रेंस है, इत्र इत्र टाइप का, अत्तर 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 बोलते ये इत्र अत्तर अत्तर वो दे देना। तो ऐसा हाँ उन्होंने एक चंदन का अत्तर दिया था, मतलब इसमें जस्ट छिड़क देना है, ऐसे करके हवा कर रहे थे तो खुशबू भी आ रहा था। अच्छा है ना, देखो कितना अच्छा हवा आ रहा है। अरे अम्मी एक टू किलो वाला कुत्तो बैग था, तो बोला बैग में रहता ये छोटा वाला, वही था वही फ्रेग्रेंस वाला था। हाँ ऐसा वाला जो था, अगर किसी दिन जाए तो मिलता भी है ऐसा भी कहीं पे भी ना। हाँ, लेकिन ऐसा वुडन वाला नहीं मिलता है, प्लास्टिक का ब्लैक वाला, प्लास्टिक हाँ प्लास्टिक का मिलता है। अरे ऊपर का जो जाली जाली है ना ये कपड़े का है। स्वीटी एटा मुझे दे दे। ना ना स्वीटी को क्या बोल रही हो पता है? स्वीटी ये मुझे दे 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 स्वीटी। हाँ पिकी बैंक के पैसे दे दो। ना 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 हाँ कभी कभी पटाना पड़ता है। नॉट इंटरेस्टेड बोल रहे बंधु, बंधु का हवा चाहिए, बेचारे को गर्मी लग रहा है। ना बंधु का हवा दे, तू तो निजे हवा करते पड़े बेचारा। बोलो बंधु का हवा करने की ज्यादा जरूरत है, बंधु बेचारा तो ऐसा करके हवा नहीं कर देगा, बंधु कैसे सो गए? इसको देख के लगता है ना बेचारे जैसा, वो बेचारा है ही बेचारा बेचारा। देखो क्या बोल रहे सांतन, पुराने एड का ये देखो, कौन सा जमाने का एड को बोल रहे? मेरे टाइम पे तो ऐसा एड मैंने कभी नहीं सुना। की टॉनिक सिरप था।
तंदुरुस्त बन जाए ऐसा जावेद जाफरी का था ना यार। अच्छा मैंने नहीं सुना कभी। बहुत ओल्ड, बहुत ओल्ड। तब शायद मैं भी नहीं थी, मैं छोटी थी तब, बचपन पे सारे थे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, लाइक बटन नीचे रहता है उसको जरूर दबाना, नहीं तो दबाने से पहले भूल जाते। लेकिन कुछ फ्रेंड्स तो बोलते हैं हम वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही दबाते हैं, हमें पता है मैत्री का वीडियो अच्छा रहेगा, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि आप सब मुझे इतना प्यार देते हो, इतनी इज्जत देते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। और जो जो फ्रेंड्स दबाना भूल जाते हो वो भी दबा देना ना। हाँ तो आप सब मेरे फ्रेंड्स हो ना। हाँ अगर अच्छा लगे तो जरूर दबाना, भूल मत जाना। हाँ तो अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय। देखो बाय, इसको बाय करने में बहुत मजा आता है, हमें भी पता नहीं क्यों ये बाय करने में ना बहुत एक अच्छी फीलिंग। हाँ आप सबको पूछना था, ये जरूर बताना, जरूर कमेंट करना और एंड तक देखना। बाय कर हम लोग जब बाय करते हैं ऐसे करके बाय 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 काफी देर तक करते हैं, आप सबको कैसा लगता है वो जरूर कमेंट करना। मतलब सुनने में मतलब कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बोरिंग लगता है, कैसा लगता है मुझे जरूर। हाँ फनी लगता है, जो भी लगता है अपने ये बाय बाय सुन के या हमें ये बाय बाय करते हुए, आप भी बाय करते हो या क्या करते हो उस टाइम पे ऐसा करके बाय भी करते हो तो जरूर मुझे कमेंट्स करना, ताकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पता नहीं मुझे ये बाय करने में अच्छा लगता है। जैसा होता है ना छोटे बच्चे देखना मतलब बाय करो तो वो बाय बाय करते रहते हैं, ऐसा ऐसा छोटे बच्चे तो ऐसा ऐसा करके बाय करते हैं। हाँ स्वीटी करती थी, स्वीटी करती थी ऐसा ऐसा करके बाय, ऐसा ऐसा करके बाय करती थी, मतलब तब ऐसा करके हिलाना भी नहीं आता था। तो वैसा कैसा लगता है मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अभी दिवाली, सारे दिवाली वाले ब्लॉग आएंगे, छोटे 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 बहुत कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएगा, क्योंकि अभी दिवाली में आप सब भी क्या कर रहे हो, अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना, दिवाली तो अभी जस्ट आने वाला है, नहीं तो बाप रे जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो क्या क्या कर रहे हो मुझे जरूर कमेंट्स करना। अरे देखो चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट। बहुत दिन नहीं बोला गुड नाइट। हाँ आफ्टरनून में भी जो फ्रेंड्स देख रहे हैं तो भी गुड नाइट। हाँ नो नाइट स्वीटी बोलती थी बचपन में, नो नाइट मतलब गुड नाइट बोलना नहीं आता था, नो नाइट बोलती, नो नाइट। चलो बाय बाय बाय, अभी तो ऑफ करूंगी, बाय 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 बाय।